साहब को बताऊं, जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे ना, तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मजे से मेरी सारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है एक वर्ड सावित्री पूरा व्रत मैं व्लॉग करने वाली हूँ बेसिकली आज। और इस बार हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लास्ट दो बार से हम कानपुर में थे बट इस बार फॉर सम रीज़न हम नहीं जा पाए कानपुर, तो अभी हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रही हूँ कि चीज़ें जितना ज़्यादा अच्छे से हम लोग वहाँ पर करते थे उतना ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी मैंने सारी ऑलमोस्ट तैयारियाँ कर ली हैं, अभी सिर्फ बरगदा बनाने हैं और पूड़ियाँ बनानी हैं, तो उसके लिए अभी हम जा रहे हैं तैयारी करने। बाकी अभी मेरा स्किन केयर बाकी है तो मैं उसको करूँगी एंड देन फिर मैं सारी चीज़ें स्टार्ट करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग और देखते हैं कि ये व्लॉग आपके लिए कहाँ तक हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने स्किन केयर कर लिया है और कुछ ये रच चुकी है मेरी मेहंदी, मैंने आधी रात मेहंदी लगाई फटाफट से। और मैं सोचा कि मैं सारा काम पहले ख़त्म कर लूँ उसके बाद मेहंदी लगाऊँ, और सारा काम ख़त्म करते करते तो ऑब्वियसली लेट हो ही जाता है, तो इस वजह से तो कुछ इस तरह से है इस वाले हाथ में एंड दूसरे हाथ में हमेशा की तरह कुछ इस तरह से। और मैं भी नहा लिया है, अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से सारा काम करने। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बचा है, जो सुबह का काम था सिर्फ उतना ही बचा है, बाकी सारा मैंने रात में करके अच्छे से तब मैं लेती थी। यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा इशू आ रहा था हमें कि यहाँ पे हमें ना बरगद का पेड़ नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेड़ दिख रहे थे। तो कुछ कुछ पेड़ तो ऐसे थे जो लग रहा था कि हाँ हैं बरगद के, बट जब उनके पास जाके उनकी लीव्स वगैरह चेक करो, मतलब पत्तियाँ उनकी चेक करो, तो फील नहीं हो रहा था कि बरगद है। तो ये थोड़ा इशू आया था। फिर एंड में हम लोग यहाँ पे एक पास में मंदिर है, फिर हम वहाँ मंदिर पे गए तो लकली वहाँ पर एक हमें मिल गए बरगद का पेड़ एक हमें मिल गया, बट वो थोड़ा सा नया पेड़ था। बट ये था कि चलो ठीक है, सभी लोग यहाँ पूजा करते तो हम लोग भी कर लेंगे, बिकॉज जो दूसरा पेड़ था वो यहाँ पास में कोई गाँव है तो वहाँ पर जाना पड़ता, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही दूर था। बट ये वाला मंदिर वाला पेड़ मिल गया तो हमने सोचा कि यहीं पे पूजा कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे धूप वगैरह तो अच्छी खासी निकल आई है सुबह सुबह ही, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे यही होती है कि धूप बहुत जल्दी निकल आती है। बाकी अभी कल रात में बारिश हुई थी तो इसकी वजह से मौसम काफ़ी अच्छा है। मौसम वगैरह तो काफ़ी अच्छा है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हवा वगैरह तो अच्छे से चल रही है, अभी हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं अदरवाइज लेट हो जाएंगे, बिकॉज अगर ज़्यादा धूप आ गई तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी हम जा रहे हैं, स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने बिंदी लगा ली है, जितनी बार फेस वॉश करो उतनी बार बिंदी गिर ही जाती है, पता नहीं कैसे सबकी टिक जाती है मेरी, जब जितनी बार फेस वॉश करो उतनी बार गिरती ज़रूर है, तो मुझे रोज़ लगानी पड़ती है ऑलमोस्ट एवरी डे। ओके बरगदा मैंने बना लिए हैं और पूड़ियों के लिए मैंने लोई काट ली है, तो अभी हम चलते हैं फटाफट से। तो इस बार हम ये वाला चूड़ा पहनने वाले हैं और ये साड़ी पहनने वाले हैं।
अभी हम लोग निकल रहे हैं पूजा करने के लिए, और यहाँ पे और लोग तो मुझे दिख नहीं रहे हैं, बट चलिए देखते हैं कैसा होता है। बाकी मैंने ये साड़ी वियर की है, मैं अलग से एक लुक दिखा दूँगी आपको। चुके हैं और इतनी रच चुकी है मेरी मेहंदी। और ये है मेरा चूड़ा, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, बहुत जुगाड़ करके मैंने बनाया इसको। ओवरऑल लुक तो आपने ऑब्वियसली वीडियो में देख ही लिया होगा। एक मैं चीज़ आपको बताऊं, जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे ना, तो हम लोग का जो फ्लैट है वो 8वीं मंजिल पे है, ठीक है, और जाते टाइम भी लाइट नहीं थी, तो हम सीढ़ियों के थ्रू गए थे और आते टाइम भी लाइट नहीं थी, तो जाने में तो कोई इशू नहीं था, बट सीढ़ियों से वापस आए भी थे, मतलब चढ़ के, तो समझ सकते हो ना कितनी ज़्यादा गर्मी है और कैसे आए होंगे भगवान ही मालिक है। और उससे बड़ी बात पता है, लाइट यहाँ पे बहुत रेयरली ही जाती है, जाती है तो मुश्किल से 5 मिनट जाती है, फिर वापस से आ जाती है, बट आज गई है कम से कम 2 से 3 घंटे हो गए हैं और अभी तक लाइट नहीं आई है, मतलब और सोने पे सुहागा चीज़ें होती रहती हैं। बाकी मेरा ओवरऑल लुक कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों की पूजा कैसी रही मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत लोग की आज पहली बार भी पूजा है, शिवानी की भी इस बार फर्स्ट बरगदा ही है, तो आप लोग कैसी पूजा रही मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, तो कैसा लगा आज के ब्लॉग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए